एपीटीवी भारत, आवाज देश की। हरिद्वार में शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 15 को बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना समेत कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हरिद्वार के पेंटागन मॉल पहुंच गए और उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि कई संगठनों द्वारा पहले ही फिल्म को रोकने की चेतावनी दे दी गई थी। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे, लेकिन इस कड़ी सुरक्षा के बीच भी प्रदर्शनकारी मॉल के वेव सिनेमा हॉल में पहुंच गए और फिल्म के शो को बीच में ही बंद करा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस फिल्म में ब्राह्मण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस फिल्म में सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म को फिर से चलाया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं मॉल के मैनेजर सोनी का कहना है कि ब्राह्मण संगठन से कुछ लोग यहां आए थे, उन्होंने फिल्म आर्टिकल 15 के प्रदर्शन पर विरोध किया है। जब सिनेमा हॉल के मैनेजर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि वे फिल्म नहीं दिखाएंगे। जिस समय ये फिल्म दिखाई जा रही थी उसी बीच उसको रोक भी दिया गया। हालांकि इस सिनेमा हॉल में सिर्फ 4 ही लोग फिल्म देख रहे थे, उनको भी टिकट के पैसे वापस लौटा दिए गए हैं और अब ये फिल्म दोबारा नहीं दिखाई जाएगी। ब्राह्मण संगठन से कुछ लोग आए थे तो उन्होंने अपना वो दिया है विरोध प्रदर्शन की आर्टिकल 15 में कुछ दृश्य हैं, तो फिल्म के मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म नहीं चलाएंगे और फिल्म का जो शो चल रहा था उसमें मात्र 4 लोग थे तो बंद करा दिया गया और उनको रिफंड कर दिया गया और आगे से बोल दिया कि फिल्म नहीं चलेगी, आश्वासन दे दिया है। एपीटीवी भारत के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।